गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप आज पंजाबी का सैकेंड लैसन कर रहे हैं जिहड़ा नाम है निक्की जिंद वड्डी सोच। कि छोटी जी जान, छोटा बच्चा तो उसकी सोच देखो कितनी वड्डी है। बसंत पंचमी लैसन पढ़ रही है मैं, सारे बच्चे ध्यान नाल सुनेंगे। बसंत पंचमी की छुट्टी होण करके अज सारा परिवार घर ही सी। गुरमेल सिंह धुप्पे कुर्सी ते बैठा अखबार पढ़ रहा सी। कोल ही कुछ किताबां भी पईयां सन। सिमरन भी पापा दे नेड़े बैठी ड्राइंग बुक ते तस्वीरां वा रही सी। जशन टैलीविजन मूरे मींज सामने अगे बैठा कार्टून चैनल वेख रहा सी। जदों गुरमेल सिंह सैर ते जाण लई तैयार हो रहा सी तां जशन ने ड्राइंग रूम विच्चों ही आवाज़ मार दिया, कहा पापा सैर करन चले हो मैं भी अज थोड़े नाल सैर करन जावांगा। की गल, अज तू ट्यूशन नहीं जाना? गुरमेल कौन है? जशन दा पापा। गुरमेल सिंह सैर करन चलिया ते जशन कहिंदा मैं भी पापा थोड़े नाल सैर करन जाना है। गुरमेल सिंह ने बूटां दे तस्मे कस्तियाँ कहा नहीं पापा, अज सानू ट्यूशन तो छुट्टी है। अज साड़ी मैडम किते रिश्तेदारी च गए होए हन। हाँ हाँ पापा, लै जाओ इनू अपने नाल। सवेर दा बैठा ये टैलीविजन मूहरे पता नहीं की लभी जाता है कार्टून चैनलों चो। सिमरन ने स्कूल दा बैग रख दिया, कहा पर बेटा मैं बहुत दूर तक जाना है, थक जाएगा ये। नहीं पापा, मैं नहीं थकांगा। जशन गुरमेल ते मूरे मीन्स अगे अगे हो के तुर पिया। वेख चल वेख फेर पुत्रा, वेखदा अज तेरा जोर। गुरमेल सिंह लम्मिया लम्मिया डिंगा भरदा जा रहा सी ते जशन कदे पिछे रह जांदा ते कदे दौड़ के अगे लंघ जांदा। अगे खड़ के अपने पापा दा इंतजार करन लग पैंदा। कुछ ही मिंटां विच दोवें प्यो पुत्तर आबादी तो बाहर निकल कच्ची नहर वाले राह ते आ गए। जशन मोरे मोरे तुरदा खेतां विच लहराउंदियां फसलां नूं के निहारदा मीस देखदा। कदे सरों दियां फुल्लां ते मंडलाउंदियां तितलियां नूं फड़न दी कोशिश करदा। कदे तारां ते बैठे पंछियां नूं वेख वेख खुश हुंदा। गुरमेल सिंह अपनी धुन विच तेज तुरदा जा रहा सी। ओह हैरान सी कि अज जशन ने दे मन विच सैर करन दा विचार किवें आया। दोवें प्यो पुत्तर गल्लां करदे नहर दी पटड़ी ते आ चढ़े जिथे एक पासे रुखां दे झुंड सन, एक पासे हरियां हरियां कणकां हुलारे मार रहियां सन। जशन नहर दे किनारे ते खड़ के पानी विच्चों कुछ लभण दी कोशिश कर रहा सी। उहनूं इस तरह करदियां देख के गुरमेल ने पुछया बेटा की लभ रहा है? पापा परवासी पंछी लभ रहा हाँ, दुपहरे मोहित ते शुभम मेरे कोल आए सन। ओह कह रहे सन कि इस वार नहर ते काफ़ी प्रवासी पंछी आए हुए हैं। प्रवासी पंछी पैरां दा खड़ाक सुन के दो मुरगाबियां उन्हां दे मूहरे उड़ गईयां। जशन इन्हां मुरगाबियां नूं वेख के बहुत खुश होया। पापा इह तां बहुत प्यारे पंछी ने, यह कित्थों आउंदे ने? एक साह विच ओह किन्ने सारे सवाल कर गया। गुरमेल सिंह ने जशन दियां गल्लां दा जवाब देंदियां कहा पुत्तर प्रवासी पंछी पंछी दूर दराड़े देशां तों हजारां मीलां दा सफ़र तय करके आउंदे हन। इन्हां विच मुख तौर ते समुद्री कुंजां प्रवासी पंछी की आंदा है जिहड़े कि दूसरे देशां चों हजारां मीलां दा सफ़र तय करके इधर अपने
दूजे देशों में चले जाते हैं। कि प्रवासी पंछी मुख तौर पर समुद्री कुंजा अबाबील हंस ते नीलसर आदि पंछी शामिल हैं। इन्हां विचों कुछ पंछी साइबेरिया तो साइबेरिया दूजा फोरन दूसरा देश है जिथों आते हैं। कई पंछी सैकड़े हजार किलोमीटर का सफ़र तय करके भारत आते हैं। रुत बदलदियाँ यह पंछी जो मौसम चेंज उत्थे जो सर्दी पैंदी है तो इधर आ जाने जो इतने गर्मी पैन लगती मौसम बदलता तो अपने देश वापस चले जाते हैं। उन्होंने प्रवासी पंछी कहते हैं। यह पंछी वापस चले जाते हैं इसलिए यह पंछी साढ़े मेहमान होंगे। यह गल मैं मोहित ते सुबह मोरा नूं भी समझावांगा। जशन ने गंभीर हुंदिया कहा। गुरमेल सिंह ने नूं लग्या जिवें जशन थक गया होवे पर ओह सवाल करी जा रहा सी। सामने खेतों ते कंडियाली तार लगी वेख के जशन फिर बोल पिया, पापा ओ सामने वाले खेत खाली क्यों पए ने? बेटा यह जमीन किसी किसान ने किसी कंपनी नूं वेच दिती है। जशन ने हैरान हुंदिया कहा। पापा दादी माँ कहंदे हन कि यह धरती तो पूजन योग हुंदी है ते नाले यह साड़ी माँ हुंदी है, भला फिर माँ नूं असी किस तरह वेच सकते हाँ? जशन दियां गल्लां सुन के गुरमेल हैरान सी कि जिहड़ियां गल्लां सानूं वड्डियां नूं सोचनियां चाहीदियां हन ओह बच्चे सोच रहे हन। जमीना ते धड़ा धड़ उसर रहे फ्लैट अते खेती लई घटदी जांदी जमीना जरूर साडे लई इक चिंता दा विशा है। दूजे पासे सफेदियां दे रुखां विच कावां रोली ने जशन दा ध्यान अपने वल खिंचिया। उसने शायद इन्ने सारे कां पहलां नहीं सन वेखे। ओह कावां नूं वेख के बहुत खुश होया पर थोड़ी ही देर बाद गंभीर होंदिया बोलिया, पापा चिड़ियां किते नज़र नहीं आउंदियां, किथे गईयां चिड़ियां? गुरमेल सिंह वल्लों कोई जवाब ना आउंदा वेख के फिर वो आप ही जवाब दिंदा होया बोलिया, पापा मैडम कहंदे हन कि जेहड़े मोबाइल फोनां दे वड्डे वड्डे टावर लगे हुए हैं इन्हां विच्चों निकलण वालियां तरंगां करके बहुत सारे पंछी साडे कोलों दूर चले गए हन। शायद यही कारण है कि चिड़ियां भी जा तां मर गईयां हन जां फिर दूर दराड़े किधरे पहाड़ां वल चलियां गईयां ने। अजकल वड्डे वड्डे टावर लगे हुए जिन्हां करके पंछियां दी घाट हो गई है। ट्रावरां नाल टच होंदे आ ते उह मर जांदे हन। उह कहिंदे पंछी कित्थे चले गए, उह पंछी सब खत्म होणे जिहड़े मोबाइलां दे टावरां करके एड्डी उच्ची उच्ची लगे हुण उहनां करके पंछी खत्म हुंदे जा रहे हन। हाँ पुत्रा ठीक कहिंदे हन तेरे मैडम, जिथे सानूं इहनां चीज़ां दे लाभ होए हन उत्थे सानूं इहनां करके बहुत कुछ गुआना भी पिया है। तुहाडा लैसन कंप्लीट हो गया। हुण तुसीं अगे गल्लां बातां करदियां पता ही नहीं लग्या कि गुरमेल ते जशन कदों घर पहुँच गए। जशन घर आउंदियां फिर खेडण विच मगन हो गया पर गुरमेल अजे भी जशन वल्लों पुछे सवालां दे जवाब लभण दी कोशिश कर रहा सी। कि इस लैसन का मीनिंग है कि वह छोटा जिहा बच्चा सी ते किन्ने समझदारी दी गल्लां कर रहा सी। अपने पापा नूं क्वेश्चन पूछ रहा सी कि पापा यह प्रवासी पंछी की होंदे हन, प्रवासी पंछी की होंदे हन जिहड़े दूजे देशों तो दूजे एक देश तो दूजे देश तक जाते हैं उन्होंने प्रवासी पंछी कहते हैं। तो वह कहते पंछी अजकल कितने खत्म होंदे जा रहे हैं वह सारा कुछ अपने पापा नूं क्वेश्चन करता है। हुण तुसीं सब तो पहला हैडिंग लिख के पार्ट टू निक्की जिंद वड्डी सोच लिख के उस तो बाद फस्ट है शब्द अर्थ है जिवें मैं थोनू करांदी सी पहला शब्द इत्थे शब्द लिखना इत्थे अर्थ लिख के इंतजार उड़ीक
धुन लगन एक एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखने, एक लिखना है। गंभीर सोच विचार वाला, उस तो बाद है तरंगा लहरा मगन लीन हो गए शब्द अर्थ। उस तो बाद है खाली थावां भरो, मैं थोनू बोल दिया तुसी अपने आप। सिमरन भी पापा दे नेड़े बैठी ड्राइंग बुक ते। अगे है तस्वीरां, फर्स्ट वाली च की लिखोगे, तस्वीरां वाह रही सी मीन्स देख रही सी। गुरमेल अपनी धुन विच तेज तेज, सैकेंड फिलअप की आएगा तेज तेज तुरदा जा रहा सी। थर्ड फिलअप्स है जशन नहर दे किनारे ते खड़ के डैश विचों कुछ लभण लगी, कित्थे थर्ड वाले च आएगा पानी विचों। जशन नहर दे किनारे ते खड़ के पानी विचों कुछ लभ रहा सी। फोर्थ है रुत बदलदियां ही यह पंछी वापस चले जाते हैं, डैश नू देख के। इस ते फिलअप च आएगा कावां नू देख के बहुत खुश होया, इतने आएगा कावां। फर्स्ट वाली फिलअप च आएगा, दोबारा बोल रही हूँ मैं, रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट वाली तस्वीरां, सेकंड है अपनी तेज तेज, थर्ड वाली है पानी, फोर्थ है रुत, फिफ्थ च है कावां। हो गए फिलअप्स। उस तो बाद है प्रश्न उत्तर, ये थोनू मैं लिख के पा रही हूँ। प्रश्न उत्तर ते वाक बनाओ ते शुद्ध करके इस तुहारे मैं थोनू लिख के भेज रही हूँ। ये सारे ने लिखने हैं सोहना सोहना। ये थोने मैनू सवेर दी सैर बारे मैं थोनू थर्ड क्लास लिखाया हुआ, पांच लाइना अपने आप लिख के, वो भी पांच लाइना लिखनी है, सिर्फ पांच वाक लिखने हैं सुंदर सुंदर। ते इस काम तुसी मैनू थर्सडे नू चेक कराना है। ओके थैंक यू।